बहुत कुछ बताना है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ इस वीडियो में आप शेयर। रॉकेट्स बनाने की शुरुआत कैसे करी थी? मैं रॉकेटरी को इंडिया के अंदर लेके आना चाहता हूं और ऐसे लाना चाहता हूं कि कोई बच्चा भी अगर रॉकेटरी को सीखना चाहे तो वो वीडियो को देख के अपने आसपास अवेलेबल चीजों से और सही मटेरियल से। सारे कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिंक प्रोवाइड करूंगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा फ्री में। मोटिव है इंडिया के अंदर रॉकेटरी को सिंप्लीफाई करके लेके आने का, एडवांस लेवल तक लेके जाने का, वो पूरा हो जाएगा। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो बड़े क्रिएटर्स ने करी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिनकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, पर उन वीडियोस की वजह से जो उन्होंने उन वीडियोस में बताया है उसकी वजह से जो उनकी ऑडियंस पर है वो गलत इम्पैक्ट जा रहा है, जिसको जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं इस वीडियो में जो उनकी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करूँगा, आपको सही तरीका बताऊँगा, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको रॉकेटरी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़कर अभी चले जाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट करने का तो यहाँ पर ज़रा भी मतलब नहीं बनता। पर अगर आपको रॉकेटरी में इंटरेस्ट है तो ये जो वीडियो है आपके लिए बनी है, इनफैक्ट ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनने जा रही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्रेजी एक्स वाई जेड यूट्यूब चैनल की वीडियोस, बेसिकली उसके ओनर अमित भाई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं, और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जो रॉकेटरी को है वो गलत टाइप से दिखाया, बेसिकली कॉम्प्लेक्स करके दिखाया है। हम इनको छोड़ के एक और चैनल की वीडियोस देखेंगे, उस चैनल का नाम मेरे को याद नहीं है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इन्होंने वीडियो में क्या शो किया है और मैं इनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहता हूँ। सो इन्होंने जो है ये कुछ बड़े साइज के रॉकेट्स बनाए हैं। मैं सारी वीडियोस पर तो कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, तो मैं सिर्फ कुछ मिस्टेक्स को यहाँ पर हाईलाइट करेक्ट करूँगा। सो आप इनके डिज़ाइन को देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तो नहीं है, और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर इन्होंने चेक भी किया होगा या फिर नहीं, क्योंकि जो उनकी रेशियो है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारे सारे रॉकेट्स हैं वो बिल्कुल अनस्टेबली फ्लाई करेंगे, वो इधर उधर जा सकते हैं। और अगर आप पहली बार एक रॉकेट बनाते हैं तो इतना बड़ा रॉकेट बनाना बिल्कुल ही गलत है, वो जो है ब्लास्ट हो सकता है और उसका ब्लास्ट से आपको लग भी सकती है। और जो इन्होंने मटेरियल्स यूज़ करे हैं, मैं इस टॉपिक पर बाद में आता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए। यार सबसे पहली मिस्टेक यही है, जो रॉकेट साइंस है वो आसान तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड चीज़ों में अवेलेबल है, पर इंडियन यूट्यूब पर उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दिखाया जा रहा है कि जो अगर आपको रॉकेटरी सीखने का मन भी करेगा तब भी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं कि ये कैसे होगा। तो यूट्यूब पर जो इंडियन यूट्यूब पर है उस पर इस टाइप की जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, पर मैं इस प्लेलिस्ट को ऐसे अवेलेबल करना चाहता हूँ कि कोई छोटा बच्चा भी रॉकेटरी को सीख पाए उसके आसपास की चीज़ों से और काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल तक जा पाए। तो बात करूँ मैं इनके ऊपर, तो इन्होंने जो है सही मटेरियल्स का भी यूज़ नहीं किया है, ये बेसिकली मटेरियल साइंस इंजीनियर है, पर मैं इनसे इतनी तो उम्मीद कर सकता था कि ये कम से कम सही मटेरियल्स का यूज़ करें, पर इन्होंने सही मटेरियल का यूज़ नहीं किया है। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर इन्होंने रॉकेट का जो इंजन है वो क्लोजअप में दिखाया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने इतने बड़े साइज़ के इंजन बनाए हैं, पर इन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो है पीवीसी पाइप, जो कि इतने बड़े साइज़ के इंजन के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, और साथ में बेटनाइट क्ले जो कि मुल्तानी मिट्टी होती है, और इतने बड़े साइज़ के इंजन में वो बिल्कुल भी नहीं वर्क करेगी। हो सकता है कि आपके कोर का साइज़ जो इंजन का नोजल थ्रोट है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिसकी वजह से आपके चैम्बर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो, तो हो सकता है कि आपका इंजन ब्लास्ट ना करे, वो भी 99% चांस है कि आपका जो इंजन होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। पर अगर वो ब्लास्ट नहीं करता है तो आपका रॉकेट जो है सीधा तो नहीं जाने वाला, अंडर प्रेशर होने की वजह से वो इधर उधर गिर जाएगा, और अगर उसमें स्टेबिलिटी भी नहीं हुई तब तो उसने फेल होना ही है। तो आप इन मटेरियल्स के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको बेटनाइट क्ले इंजन के अंदर यूज़ करनी है तो आप उनको छोटे इंजन में कर सकते हैं जो ए क्लास से लेकर सी क्लास तक होते हैं, डी क्लास में भी हो सकता है वो ब्लास्ट कर जाए, और जो सी क्लास है उसमें उस वहाँ तक आप बेटनाइट क्ले को यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, पर आपको उसको कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो जो है आपका इंजन यहाँ पर डेफिनेटली ब्लास्ट होगा। यार जो स्क्रैचेस यूज होते हैं वो होते हैं छोटे रॉकेट्स के अंदर, क्योंकि उसमें हम इंजन को फ्रिक्शन फिट कर सकते हैं, पर जो साइज इन्होंने रॉकेट्स का बनाया है उसके अंदर जो है फ्रिक्शन फिट जो है बिल्कुल भी सही नहीं, या तो आप इंजन को स्क्रूज से टाइट कर दो या तो इंजन के पीछे क्लिप्स लगा दो ताकि इंजन जो है अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, वो बाहर ना निकल पाए।
ताकि जो आपका रॉकेट है वो एक टाइप से उसकी जो सेफ्टी है वो इंक्रीज होगी, जो आपके आसपास का एरिया है उसकी सेफ्टी इंक्रीज होगी और साथ में आपके रॉकेट के सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले और भी मिस्टेक्स इसमें काफ़ी सारी हैं, अब मैं हर एक मिस्टेक को तो हाईलाइट नहीं कर सकता। और इन्होंने ये कहा है कि रॉकेटरी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बार बार कहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉकेटरी जो है सिंप्लीफाइड है, हालांकि आसान भी नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। अगर आप चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में सीखने को मिलेंगी, मैं रॉकेटरी आपके लिए इतनी आसान कर दूंगा कि आप आराम से रॉकेट्स बना सकते हैं, आराम से उनको लॉन्च कर सकते हैं बिना टेंशन की कि आपका रॉकेट ब्लास्ट हो जाएगा या सही से काम नहीं करेगा। तो अभी हम एक और यूट्यूब चैनल की वीडियो देखेंगे, क्योंकि अब हर एक पार्ट के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को भी वीडियो की लेंथ का देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें एक और चैनल मिला है, द RS इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट। हालांकि जो इनके ओनर हैं उनका नाम मैं नहीं जानता। तो अब हम इनकी वीडियो देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने तो जो रॉकेटरी है उसकी जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी की, जिस टाइप से बताया गया ऑडियंस को, उसकी हद पार कर दी है, वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा, इस शॉर्ट के अंदर बेसिकली देखते हुए। यार ये इस वीडियो में शुरू में तो बोलते हैं कि इन्होंने जो है लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया है, और मैं आपको बता दूं इन्होंने इस वीडियो में जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है लिक्विड फ्यूल के बारे में समझा रहे हैं, तो इन्होंने अपने रॉकेट में कभी लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया ही नहीं है। इस पार्ट में ये जो है आपको दिखेंगे कि ये कुछ कर रहे हैं, पर ये बेसिकली कुछ नहीं, इन्होंने कॉपर वायर को एक मतलब रॉकेट का एक ऐसे स्ट्रक्चर सा बना दिया जो देखने में अच्छा लगे, उसके ऊपर थोड़ी सी एक पाइप के ऊपर कॉपर पाइप लपेट के उसके ऊपर चिपका दिया, अलग अलग चीज़ों को उसके ऊपर चिपका दिया, और ये बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं और आपको शो पीस दिखा रहे हैं। आगे इन्होंने जो है जो लॉन्च पैड है उसका भी एक टाइप से शो पीस बनाया है, जो कि वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल जो रॉकेट लॉन्च करना है उसको अच्छे से स्टेबलाइज तरीके से लॉन्च करना है, तो आप बस एक सिंपल जो है रोड लीजिए, या फिर रोड से अच्छा ऑप्शन है कि आप एक पाइप लीजिए मेटल की, क्योंकि वो जो है कम वाइब्रेट करती है। आप उसको ज़मीन में गाड़िए, रॉकेट को ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखने का जुगाड़ लगाइए, बस बेसिकली जहाँ जितना ऊपर आपको रखना है उस जगह पर टेप लगा दीजिए, जो रॉकेट का लॉन्च लग है वो उससे नीचे नहीं जा पाएगा, और उसके बाद आप रॉकेट को आराम से लॉन्च कर सकते हैं। पर इन्होंने जो है चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताया है कि अगर आपका सीखने का मन भी होगा तब भी आप सीखना नहीं चाहेंगे। पूरी वीडियोज़ में इन्होंने ऐसे ही किया है। तो यहाँ पर ये अपने अलग अलग फेलियर्स दिखाते हैं, इन्होंने ये फेलियर्स भी मतलब कि इनके जो रॉकेट हैं वो ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सही मटेरियल का यूज़ नहीं किया, सेम एज क्रेजी XYZ। सो आगे जो है इन्होंने इस वीडियो में तो नहीं, पर इनकी और भी वीडियोज़ हैं जिनमें इन्होंने बाहर के एक यूट्यूबर हैं उनकी क्लिप यूज़ करी है रॉकेट को ऊपर जाते हुए। मेरे को नहीं पता वो कोई लॉन्ग वीडियो है या शॉर्ट है, पर मेरे को बस इतना पता है कि इन्होंने जो है एक बाहर के यूट्यूबर की भी क्लिप यूज़ करी है, और साथ में अलग अलग मतलब मेरा सेम ही है कि इन्होंने जो है रॉकेटरी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दिखाया। इनके जैसे और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, हालांकि मैं सबकी वीडियोस तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मेरे को आपको और भी बहुत कुछ बताना है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में अब शेयर करूँगा। इनके जैसे और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, अब सबकी तो मैं आपको वीडियोस दिखा नहीं सकता, मिस्टेक्स भी करेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम ने ये सेम मिस्टेक करी है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि रॉकेटरी को जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दिखाया, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं रॉकेटरी को इंडिया के अंदर लेके आना चाहता हूँ और ऐसे लाना चाहता हूँ कि कोई बच्चा भी अगर रॉकेटरी को सीखना चाहे तो वीडियो को देख के अपने आसपास अवेलेबल चीज़ों से और सही मटेरियल से, जिससे कि वो जो भी रॉकेट बना रहा है वो सेफ़ रहे और उसका जो रॉकेट है वो पहली ही बारी में वर्क कर जाए। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको आएँ, पर जो रॉकेट है उसके पहले बारी में वर्क करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे उसको मोटिवेशन मिलेगी, और भी ज़्यादा काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड होता है जो रॉकेटरी होती है, वो आपको इस ट्यूटोरियल्स पर आगे पता चल जाएगा जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगी। पर मैं इतनी सिंप्लीफाइड लेकर आऊँगा कि कोई भी बच्चा भी अगर देखेगा तो अपने आसपास के मटेरियल से आराम से ऐसे रॉकेट्स बना सकता है, शुरुआत में ऐसे रॉकेट्स बना सकता है जो 100% वर्क करेंगे, सेफ होंगे उनमें। अगर वो थोड़ा सा और रॉकेटरी सीखना चाहता है उसके बाद, तो उसमें वो पैराशूट लगा सकता है, आराम से लगा सकता है, क्योंकि सारे कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसके लिंक प्रोवाइड करूँगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा,
फ्री में डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको। मैं आपको हर एक स्टेप बताऊँगा कि उनको आपको कॉपी पेस्ट कैसे करना है, आपको अपलोड कैसे करना है अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, और अगर आपको कोडिंग आती है तब तो और भी अच्छी बात है क्योंकि आप फिर अपनी क्रिएटिविटी भी उन कोड्स में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये कोड मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किए हैं। या फिर अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगी, हमारी ईमेल आईडी, उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कोर्स आपके हिसाब से मॉडिफाइड करके प्रोवाइड करूँगा जिससे कि जो आपकी क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। और जो मेरा मोटिव है इंडिया के अंदर रॉकेटरी को सिंप्लीफाई करके लेके आने का, एडवांस लेवल तक लेके जाने का, वो पूरा हो जाएगा। सो अगर मैं आपको कुछ YouTube चैनल रिकमेंड करूं, जो इंडियन YouTube चैनल है जो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं रॉकेटरी सीखने के लिए, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा अपने चैनल के इस प्लेलिस्ट को जो कि अब अपलोड होना शुरू हो रहा है। और अगर आपको नोज कॉन बनानी है तो एक वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा चैनल रिकमेंड करूंगा सीरीज़ एक्सपेरिमेंट, वो जो चैनल है वो बेसिकली केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं पर जो उनकी रॉकेटरी की वीडियोस हैं वो भी काफ़ी सही होती हैं, वो बिल्कुल सही नॉलेज के साथ वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने जो है मर्करी स्विच बनाया था, हालांकि मर्करी स्विच थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है अगर आप उसके साथ फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं, पर वो काफ़ी सही वीडियोस बनाते हैं, आप उनकी वीडियोस को देख के भी नॉलेज ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और जो कंपनी है बेसिकली रॉकेटियर्स इंडिया, आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी जो रॉकेटरी है वो सीख सकते हैं। वो अपने जो है किट्स भी सेल करते हैं पर वो किट्स जो हैं थोड़ी महंगी होती हैं, तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो अगर आप पहली बार रॉकेटरी को सीख रहे हैं तो कोशिश करिए कि जितनी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएं तो वो आपके लिए उतना ही सही है क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आगे जाके आपके लिए क्या काम आने वाला है क्या नहीं, तो जितना कम आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बेसिकली जो सीखना भी चाहते हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि जो रॉकेटियर्स इंडिया है उनकी जो जहाँ तक मुझे पता है कि जो उनके जो सबसे छोटा रॉकेट है वो मून शॉट है और उसकी जो किट की प्राइस है वो बेसिकली 1200 रुपीज़ है। आप पार्ट्स को सेपरेटली बाय तो कर सकते हैं पर वो भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइप का हो जाता है, पर आप इस चैनल में से जो भी सीखेंगे वो आप फ्री में सीखेंगे। आपको मैं सारे मटेरियल्स फ्री में, सारे कोड्स फ्री में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कोड्स के लिंक मिल जाएंगे जैसे ही उन ट्यूटोरियल की वीडियो अपलोड होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अलग अलग फ्लाइट कंप्यूटर्स खुद से भी डिज़ाइन किए हैं, ये बेसिकली मैंने पीसी भी डिज़ाइन किए हैं अलग अलग वेबसाइट से। इसमें जो है IMU यूनिट इनबिल्ट है, साथ में इसमें अलग अलग सेंसर्स हैं और इसके साथ में आपको एक दूसरा फ्लाइट कंप्यूटर है, इसमें आपको सिम का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में एक कैमरा भी है जिससे कि आप लाइव जो है रॉकेट से वीडियो भी देख सकते हैं, और इसके अंदर बाकी सारे सेंसर्स भी हैं। और मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगा और ये भी बनाना सिखाऊंगा। ये बेसिकली Arduino बेस्ड फ्लाइट कंट्रोलर है, इसमें कुछ नहीं है, एक IMU यूनिट है जो कि MPU6050 जायरो सेंसर है जो कि इस Arduino नैनो के साथ कनेक्टेड है। और जो ये वाला सिस्टम है ये अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ा है क्योंकि जो Arduino नैनो है वो मेरे को क्वार्ट्ज कंपोनेंट एक वेबसाइट है उसमें से मेरे को 185 का मिला था। हालांकि 179 वाला Arduino नैनो भी है पर उसकी जो पिंस है वो अनसोल्डर्ड आती है, मैंने वही वाला ऑर्डर किया था। पर अगर आप मंगा रहे हैं तो 185 वाला मंगाइएगा क्योंकि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको सोल्डरिंग करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि आप उसके जो पिंस है उसको सोल्डर कर दें, इसलिए आप 185 वाला जो Arduino नैनो है साइट से मंगा लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। IMU यूनिट भी आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि IMU यूनिट का प्राइस मेरे को याद नहीं है, ये भी काफ़ी सस्ता मिला था। और इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सर्वो एक्चुएट करने के लिए जो भी हमारे प्रोग्राम में लिखा होगा जो इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर है, ये बेसिकली रॉकेट्स की ओरिएंटेशन वगैरह को मेजर कर सकता है, साथ में ये पैराशूट को भी डिप्लॉय कर सकता है जैसे ही रॉकेट की ओरिएंटेशन में चेंज आएगा, या फिर अगर हम इसको मॉडिफाई करें रॉकेट की एक्सेलरेशन में चेंज आने के लिए तब हम इससे वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक बार टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं वो अलग अलग टाइप की बैटरी से कर सकते हैं, ये जो है एक लैपटॉप की बैटरी है, 18650 इसका नंबर है, ये रिचार्जेबल बैटरी है। सो रिचार्जेबल एक जो है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है पर ये आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो शुरुआत के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले अगर आपको टेस्ट करना है तो इस टाइप की एक 9 वोल्ट की बैटरी को यूज़ करके देखिए, ये जो आपको 20 से 25 रुपीज़ की हर जगह पर मिल जाएगी। तो मैं तो फिलहाल इसको इस रिचार्जेबल बैटरी से ऑपरेट करूँगा, ये 7.4 वोल्ट की बैटरी है क्योंकि मैंने इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, तो हमें बस इसको इसके साथ में इसकी जो पावर पिन है उसके साथ में कनेक्ट करना है। इसको जो पूरा बनाने की वीडियो है वो आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएगी इसी प्लेलिस्ट में।
सो ये यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी कुछ काम इस टाइप से करता है ये बाकी चीज़ें भी मेजर करता है, पर अगर मैं आपको इसका मेन फंक्शन बताऊँ तो जैसे ही मैं इसको रोटेट करूँगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे, तो उसका ये बस एक सेकंड का डिले देगा रिफाइनमेंट के लिए, ताकि ये किसी भी फॉल्स मेजरमेंट को ना मेज़र कर ले। तो जैसे ही इसको मैं रोटेट करूँगा होराइजन से नीचे, और तभी जो है सर्वो को एक्चुएट कर देगा 180 डिग्री पर, जिसकी वजह से ये जो स्विच आप देख सकते हैं इसके नीचे ये ऑन हो जाएगा, और हम इसे पैराशूट डिप्लॉय करवा सकते हैं, हम इससे कोई भी और वर्क डन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं अगर मैं इसको कोई भी झटका लूँ या फिर ऐसे जैसे मर्जी घुमा लूँ, ये जो है वर्क नहीं करेगा। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे जाएगा एक सेकंड का डिले देके ये जो है ऑन हो जाएगा, उसके बाद 5 सेकंड के बाद ये सर्वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन को वापस गेन कर लेगा। सो ये जो है पैराशूट इजेक्शन के लिए बेस्ट सिस्टम है। आप अगर इससे 100 बार रॉकेट लॉन्च करते हैं तो अगर आपका पैराशूट इजेक्शन चार्ज सही है तो आपका पैराशूट जो है 100 बार ही इजेक्ट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। जो कि मर्क्यूरी स्विच में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो कभी कभी काम नहीं करता, पर वो भी काम कर लेता है और वो आपको इससे भी सस्ता पड़ेगा, पर सेफ आपके लिए यही है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, अगर ये गिरता भी है तो मैंने इसको इस टाइप से बनाया है कि जो आर्डियोनो है हमारा और जो ये यूनिट है IMU यूनिट, इसके ऊपर कोई भी डैमेज ना जाए। हालांकि इसको मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, इस टाइप के मैं अलग अलग सिस्टम सुनाऊंगा जो इससे भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे। हम आर्डियोनो को उसमें वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं पैराशूट को इजेक्ट करवाने के लिए। तो ये तो हो गया कि मैंने इस टाइप का सिस्टम सुनाया। बात करते हैं कि मैंने रॉकेटरी की शुरुआत कैसे करी थी। शुरुआत करूं कि मैंने जो रॉकेट्स बनाने की शुरुआत कैसे करी थी, तो उस टाइम मैं 5th क्लास में था और इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, बेसिकली रिसोर्सेज इतने नहीं थे, पर मेरी मम्मी के पास एक 3G फ़ोन था इंटेक्स का, तो उसमें मैंने 31 रुपये का रिचार्ज करवा लिया 31 रुपीज़ का पास की एक शॉप में जाकर। मेरे को नहीं पता था उस टाइम इंटरनेट पैकेजेस वगैरह कुछ भी, मैंने बस उनको बोला कि 31 रुपीज़ का रिचार्ज कर दो और उन्होंने कर दिया। उसके बाद मैं घर पे आया, मैं इंटरनेट चलाने की कोशिश करी, वो शायद मेरे ख्याल से 2G इंटरनेट था उस टाइम पर। तो फिर मैंने कुछ सर्च किया रॉकेट से रिलेटेड ही, तो फिर काफ़ी सारी वीडियोज़ आई, पर मेरे को उसमें एक अलग सी वीडियो शो हुई द किंग ऑफ रैंडम यूट्यूब चैनल की, जिसमें उन्होंने रैंडमाइज़र रॉकेट बनाया था। अनफॉर्चुनेटली जो उस चैनल के ओनर थे उनकी तो डेथ हो गई थी शायद से 2017 में, मेरे को अभी इतना याद नहीं है। पर जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मेरे को ज़्यादा इतना कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो वीडियो इंग्लिश में थी और उस टाइम पर मैं बच्चा था और मेरे को इतने अच्छे से इंग्लिश भी नहीं समझ आती थी। तो मैंने उस वीडियो को देखा और उनकी और भी वीडियोस को देखा, और मेरे को एक और वीडियो मिली जिसमें उन्होंने उसकी मोटर बनाई थी, बेसिकली शुगर रॉकेट मोटर। तो फिर उसके अंदर उन्होंने एक प्रोपेलेंट यूज़ किया था, शुगर यूज़ करी थी, इतना तो मेरे को पता चल गया था कि उसके अंदर शुगर और मिट्टी का यूज़ किया गया है। तो फिर मैंने अपने स्टोर रूम में गया, मैं उसमें जाकर मैंने एक PVC पाइप का पीस लिया और साथ में मैंने उसके अंदर मिट्टी डाल दी, नॉर्मल मिट्टी डाल दी। उन्होंने उसमें बेटनाइट क्ले का यूज़ किया था, मैंने उसके अंदर नॉर्मल मिट्टी डाल दी, और जितना मेरे को समझ आया कि उन्होंने उसके अंदर शुगर डाली है तो मैंने उसके अंदर जो नॉर्मल शुगर डाल दी बिना पीसे मैंने उसको डाल दिया, मतलब नॉर्मल फॉर्म में, मैंने उसका पाउडर भी नहीं बनाया। और साथ में मेरे को इतना समझ आया था कि उन्होंने किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, पर मेरे को नहीं पता था वो फर्टिलाइज़र किस टाइप का है और वो कैसे काम करता है, ये रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो फिर मैंने, मेरे को लगा कि बस उसको जलाना ही है, हमें चीनी को जलाना ही है, इसलिए मैंने मिट्टी का तेल लिया केरोसिन ऑयल स्टोर से और मैंने उसको उसके अंदर डाल दिया। पर इससे क्या हुआ कि जितनी भी जो मैंने सॉइल से एंड कैप लगाई थी वो उस ऑयल के अंदर डिजोल्व हो गई और जो इंजन है वो तो ख़राब होना ही था। तो फिर मैंने अगली बार क्या किया, मतलब उसी टाइम मैंने उसी पाइप के पीस में दोबारा से मिट्टी को लगाया, उसको साफ़ करके उसके अंदर एक पतली सी पॉलीथीन की शीट डाली, उसके अंदर जो नॉर्मल चीनी है उसको डाला, फिर उसके अंदर मैंने मिट्टी का तेल को डाला और मैंने उसके अंदर नॉर्मली आग लगा दी। मैंने उसमें नोज़ल नहीं लगाई थी क्योंकि अगर मैं उसको लगाता तो फिर मिट्टी के तेल से वो भी ख़राब हो जानी थी। मैंने उसमें डायरेक्टली आग लगा दी, मुझे लगा ये चलेगा, पर उसने वर्क नहीं किया, वो नॉर्मली जल गया। फिर कुछ टाइम बाद जब इंटरनेट थोड़ा पॉपुलर हुआ तब, क्योंकि वो रिचार्ज जो है उसी दिन ख़त्म हो गया था और उसके बाद काफ़ी टाइम तक तो रिचार्ज नहीं करवाया, पर कुछ टाइम बाद जब इंटरनेट पॉपुलर हुआ, मैं तब 6th क्लास में था,
तब मैंने रॉकेटरी की वीडियो देखनी शुरू करी। जितनी भी मैंने उस टाइम पर वीडियोस देखी वो बाहर के यूट्यूब चैनल की थी, क्योंकि इंडियन यूट्यूब पर उस टाइम पर रॉकेटरी से रिलेटेड मेरे को कोई भी वीडियो नहीं मिली, या फिर उस टाइम पर मैंने सर्च नहीं की होगी, पर जितनी भी मेरे को मिली उस टाइम पर मुझे बाहर के यूट्यूब चैनल्स की वीडियो मिली। तो उसमें से मेरे को किंग ऑफ रैंडम की मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने अलग अलग वीडियोस को देखा, देखा कि रॉकेट्स कैसे काम करते हैं, उनके फ्यूल्स कैसे काम करते हैं, हमें किस टाइप के मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए। हालांकि काफ़ी बार मेरे रॉकेट्स ब्लास्ट हुए हैं, और मैंने जो शुरुआत करी थी वो करी थी एक पेपर के रॉकेट से। वो जो रॉकेट था पूरा पेपर का बना था, जिसकी वजह से उसको पैराशूट की भी ज़रूरत नहीं थी। ये बेसिकली मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था जो मेरे को गूगल पे मिला था। आर्टिकल तो मेरे को नहीं लगता कि अभी मैं उसको ढूंढ पाऊंगा, पर आप उस रॉकेट की इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है ये मेरा फर्स्ट रॉकेट है जो मैंने पहली बार बनाया था, ये पूरा पेपर का है। अगर मेरे पास उसकी फ़ोटो ही तब वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, नहीं तो वो रॉकेट अभी भी मेरे पास है, मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊँगा। मैंने बस उसको पेपर की बॉडी बना दी, पर उसके अंदर जो है पैराशूट भी था, और मैंने पायरोटेक्निक लगाने की कोशिश करी थी उस रॉकेट को, जो है मैंने 3 से 4 बार उड़ाया उस रॉकेट को जो मैंने बनाया था। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च करके बनाया था। वो रॉकेट यहीं पर होगा कहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करिए। तो आप इस रॉकेट को यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो नोज कोन है वो निकल चुकी है। ये जो पूरा है ये पेपर का बना हुआ है। ये जब मैंने शुरुआत में बनाया था तभी ऐसा नहीं दिखता था। इसको मैंने 3 से 4 बार लॉन्च किया है, अब मेरे को परफेक्टली तो याद नहीं है। इसके अंदर एक छोटा सा पैराशूट भी डलता था, और ये इसकी जो है नोज़ल है, ये मैंने 7th क्लास में बनाया था। और इसके अंदर एक यहाँ पर छोटा सा पैराशूट, हालांकि इसको पैराशूट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो वेट है बिना इंजन के वो 14 ग्राम तक है, और इंजन के साथ ये 20 ग्राम तक इसका जो है वेट हो जाता है। इसके अंदर बिल्कुल ही छोटा इंजन डलता है। जब मैंने इसको आखिरी बार लॉन्च करा था तब का एक इंजन इसके अंदर है अभी तक। इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा अभी। और ये जो है पूरा पेपर बिल्ट है। शुरुआत की जो मैंने जब इसको पहली बार बनाया था तब मैंने इसकी एक पिक्चर क्लिक करी थी, अगर वो पिक्चर मेरे पास हुई तो आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर मैंने कुछ इस टाइप के सबसे छोटे इंजन का यूज़ किया था। ये इंजन मैंने उसी टाइम पर डिज़ाइन किया था। इसके अंदर यहाँ पर एम सील का यूज़ किया गया है। इसके अंदर नॉर्मल पाउडर्ड फॉर्म में है जो रॉकेट मिक्स है, उसको मैंने क्रिस्टलाइज नहीं किया है। तो इस टाइप के इंजन इसके अंदर लगते थे, और इसको मैंने 3 से 4 बार फ्लाई भी किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पड़ी है, क्योंकि इसको मैंने उसके बाद दीवार पर चिपका दिया था। और इसके बाद मैंने काफ़ी सारे अलग अलग रॉकेट्स बनाए, कुछ उसमें से फेल भी हुए, हालांकि क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता और मेरे को शूट करना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं जितना कुछ बनाता हूँ मैं उन सब चीज़ों को अपलोड नहीं करता हूँ। तो कुछ क्लिप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ रॉकेट यहाँ पर ब्लास्ट भी हुए हैं। काफ़ी सारी क्लिप्स जो रॉकेट सही से लॉन्च भी हुए उनकी भी मैंने शेयर नहीं करी है। मैंने यहाँ पर अलग अलग इंजन के साथ काम किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक और इंजन है जो इस रॉकेट के साथ में उड़ा था, इसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर हाइब्रिड इंजन के साथ काम किया है, आप यहाँ पर एक ग्रेन देख सकते हैं, ये बेसिकली प्योर पैराफीन है जिसमें मैंने थोड़ा सा रेजिन मिक्स कर दिया है ताकि वो थोड़ा सा हार्ड टाइप का हो जाए, और इसके अंदर से जैसे ही हम नाइट्रस ऑक्साइड या प्योर ऑक्सीजन को फ्लो करवाएंगे, प्योर ऑक्सीजन को फ्लो करवाना थोड़ा यहाँ पर ख़तरनाक हो सकता है, तो मैक्सिमम हम नाइट्रस ऑक्साइड को ही यूज़ करते हैं। तो ये उसी की ग्रेन है इंजन, तो अभी मैंने उसको टेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के इंजन बनाए थे, तो ये एक पल्स जेट इंजन है, इसके ऊपर अभी जो है थोड़ा थर्मल पेस्ट लगा हुआ है जो कि उखड़ गया है। ये इसका एयर इनटेक है, ये इसका एयर आउटलेट है। ये भी एक रॉकेट के साथ फ्लाई करा था, पर इसका मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं करा था। और भी मैंने अलग अलग साइज़ के यहाँ पर इंजन बनाए हुए थे, एक ये है जैसे कि, और ये भी है, और इससे भी बड़े बड़े इंजन्स मेरे पास अभी हैं, पर वो उनको मैंने अलग रूम में रखा हुआ है क्योंकि उनको ऐसे रखना थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। और अभी मैंने रिसेंटली भी एक रॉकेट लॉन्च किया था, उसमें जो है मैंने एन क्लास का एक इंजन यूज़ किया था जिसमें मैंने फ्लाइट कंप्यूटर्स बनाए हैं अलग अलग। तो उसके बाद मैं जैसे जैसे सीखता गया मेरे को जो है और भी ज़्यादा चीज़ें समझ आने लगी। मैंने काफ़ी सारे अलग अलग रॉकेट्स को लॉन्च किया। मैंने शुरुआत में जो है पेपर बिल्ट रॉकेट्स को लॉन्च किए क्योंकि उनका वेट बिल्कुल कम था, और एक बार जब वो ऊपर चले जाते थे तो उसके बाद उनको जब वो नीचे आते तो वो बहुत ज़्यादा स्लोली डिसेंड करते थे क्योंकि उनके कम वेट की वजह से। आप यहाँ पर एक रॉकेट का डिसेंट देख सकते हैं, उसके अंदर पैराशूट नहीं था,
और वो जो कितना स्लोली डिसेंड कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो है बिल्कुल सेफ तरीका है। तो मैं एक प्लेलिस्ट जो लेके आ रहा हूँ उसके अंदर सबसे पहले जो हम रॉकेट बिल्ड करेंगे वो बिल्कुल पेपर से होगा, और वो इतना मतलब हार्ड होगा कि वो आराम से ऊपर तक जा पाए और नीचे आ जाए बिना किसी स्ट्रक्चरल डैमेज के। तो सबसे पहले हम पेपर से रॉकेट बनाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे पैराशूट इजेक्शन वाले रॉकेट्स पे, जिसमें हम फ्लाइट कंप्यूटर्स का भी यूज़ करेंगे, मर्क्यूरी स्विच का भी यूज़ करेंगे, अलग अलग टाइप्स के मैकेनिज्म्स का यूज़ करेंगे, पायरोटेक्निक चार्ज का यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल चीज़ों को मैं लेके जाऊँगा यहाँ पर बिल्कुल एडवांस चीज़ों तक। अगर आपको मान लीजिए आपको फ्लाइट कंप्यूटर बनाना है जिससे आपको अलग अलग चीज़ें मेज़र करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेलरेशन वगैरह, और आपको उसी सेम फ्लाइट कंप्यूटर से पैराशूट भी इजेक्ट करना है, तो इस टाइप के जो फ्लाइट कंप्यूटर्स हैं वो भी मैंने बना रखे हैं आर्डुइनो से, और वो आर्डुइनो नैनो है जो कि मेरे को एक वेबसाइट पर 185 का मिला था। आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी ट्यूटोरियल की, इसका भी आपको ट्यूटोरियल मिलेगा जो मैंने अभी बताया, आर्डुइनो बेस्ड फ्लाइट कंप्यूटर, तो उसका भी आपको जो है मिल जाएगा ट्यूटोरियल। उसमें मैं आपको सारे कोड्स प्रोवाइड करूँगा, आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, जो भी आपको सोर्सेज चाहिए होंगे। अगर आपको कोई भी कोड मॉडिफाई करना होगा उसमें तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको कोड अपलोड करना तक सिखा दूंगा, आपको किस टाइप से चीज़ों को वर्क करवाना है वो सब सिखा दूंगा, और उसके बाद आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है पूरी प्लेलिस्ट रॉकेटरी से रिलेटेड है, जिसमें मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, जो कि इंडियन यूट्यूब पर तो नहीं दिखाया गया है, नहीं तो जो चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाइड मिलेंगी आपको बाहर के यूट्यूब पर। बाकी जो अदर चैनल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेजी एक्स वाई जी वगैरह, जिन्होंने रॉकेट्स लॉन्च किए हैं, और एक और है इंडस्ट्रीज हैं, उसके लास्ट में कुछ मेरे को उसके चैनल का नाम भूल गया, तो फिर उन जो चैनल्स ने जो रॉकेटरी को दिखाया वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताया है, ऐसा बताया कि रॉकेटरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं रॉकेटरी को इंडिया के अंदर लेके आना चाहता हूँ, और इस टाइप से मैं रॉकेटरी को लेकर आऊँगा कि कोई भी बच्चा जिसको रॉकेट्स में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है रॉकेट से रिलेटेड, वो इन वीडियोस का थ्रू बिल्कुल उन चीज़ों को सिंप्लीफाइड वर्जन में सीख सकता है, उन मटेरियल से रॉकेट्स बना सकता है जो उसके आसपास अवेलेबल हैं, जो उसके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, और जो आसपास के इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। उन सब चीज़ों से मैं यहाँ पर रॉकेट बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको वाटर रॉकेट्स बनाना सिखाऊंगा जो कि पैराशूट भी इजेक्ट करते हों, वो उसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम जो नॉर्मल रॉकेट्स होते हैं जो कि शुगर और KNO-3 पे वर्क करते हैं, उन सब में मैं आपको उस टाइप के इंजन से लेके पैराशूट की बॉडी तक एक एक पार्ट्स के सेपरेटली ट्यूटोरियल दूंगा। मैंने कुछ टाइम पहले, मतलब 2 या 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रॉकेट की नोज़ कोन बनाना सिखाया था बिल्कुल स्क्रैच से, और इससे आप किसी भी शेप की नोज़ कोन बना सकते हैं, किसी भी साइज़ की बना सकते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट नोज़ कोन बनेगी। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी मिल जाएगा, और वीडियो के जो लास्ट में वीडियो आएगी उसमें भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। और ये जो है इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, इसके बाद आपको आगे से जो अगली वीडियो मिलेगी वो बिल्ट की वीडियो होगी एक, उसमें मैं आपके साथ और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आपको और भी ज़्यादा नॉलेज दूंगा। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं इंडिया के अंदर मॉडल रॉकेटरी को लेकर आऊँ, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन के साथ लेकर आऊँ। और अगर आप रॉकेटरी सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रॉकेटरी से लेकर एडवांस वर्जन ऑफ रॉकेटरी तक लेकर जाऊंगा इस प्लेलिस्ट के थ्रू। सो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को उन क्रिएटर्स तक पहुँचाइए जो रॉकेटरी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया है, पर असली में जो है उन्होंने किया कुछ भी नहीं है, बस वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके बता रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में रॉकेटरी आए, बिल्कुल सेफ़ तरीके से आए, और बिल्कुल मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन में आए कि कोई भी उसको सीख पाए, जिससे कि जो बच्चे हैं उनके अंदर इसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। क्योंकि अगर हम रॉकेटरी को ऐसे दिखाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे जो बच्चे होंगे वो उसको ट्राई भी नहीं करेंगे। हालांकि और अगर उनको सही मटेरियल की नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो सही से उन रॉकेट्स को भी नहीं बना पाएंगे, जो कि देख के बनाने की कोशिश भी करेंगे पर उनके रॉकेट्स जो हैं फेल हो जाएंगे, जिनकी वजह से उसको डीमोटिवेशन मिलेगी। तो मैं बस यही चाहता हूं कि ये वीडियो जो है काफ़ी सारे बच्चों तक जाए, काफ़ी सारे लोगों तक जाए जो रॉकेटरी में इंटरेस्टेड है, खासकर इंडिया में। तो अब मैं आपसे मिलूँगा इसी प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।